الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال آپ کا اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آج الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 39 ہے اور پریکٹس نمبر 9. اس میں ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر ہے 237. ٹھیک ہے. اور ایکچولی ہم پوری آیت جو ہے اس کو نہیں کریں گے بلکہ جو ہے وہ اس کا لاسٹ پارٹ اس کو کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے انا کے لیے الف. ٹھیک ہے. آج میں نے جو انکس ہیں ان کو تھوڑا سا تھن کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں زیادہ یہ تھک ہو گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو بھی کبھی لگے کہ آپ کی انکس زیادہ تھک ہو گئی ہیں تو آپ اس میں پانی جو ہے اس کو ملا لیا کریں. اس کے بعد ہم کرتے ہیں نون کو. تو نون آپ بکر بند بھی یوز کر سکتے ہیں. چلیے ہم بکر بند ہی یوز کرتے ہیں. اور آج ہم کریں گے کوشش کہ اس کو اچھے سے کمپوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کمپوزیشن کے لیے ایک اور بھی آئیڈیا ہے کہ آپ پہلے اس کو لائٹ پینسل کے ساتھ یا پھر کسی اور پینسل کے ساتھ کسی مطلب رف پیج کے اوپر نا اس کو لکھ لیں. دین پھر بعد میں جو ہے نا آپ قلم کے ساتھ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ کو جو بھی آئیڈیا ہے اس کو آپ مطلب ایک کاپی پر اتار لیں. تو اس الف کو ہم نے نون کے اوپر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوڑ اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر ہی ہم لکھتے ہیں.
ये मेरा यहाँ से ख़राब हो गया। और इसके साथ अब हमने लिखना है बीमा। ठीक है, हम उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बा के साथ जब मीम को अटैच करना, तो इसकी ये भी एक शेप है। ठीक है, कोशिश करनी है कि हमारे हाथ जब हमने पीछे लिखा हुआ है अभी वो जब इंक ड्राई नहीं हुई तो उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये इसका नुक्ता, ठीक है, ये इसका नुक्ता है और यहाँ पर ये नून का होगा थोड़ा सा बड़ा। जी तो ये इन अल्लाह बेमा तअमलूना, ठीक है, उसको लिखते हैं। फिर उसके पास साथ हमने ये भी तो देखना है ना कि ये था, ठीक है, इसके बाद आइन यहाँ तक, देन इसके बाद मीम है हमारे पास ना। अब बेशक इसको आगे लेकर जाएं देन मीम, या फिर इसके साथ यहाँ पर ही अटैच कर लें, तो हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं लाइक दिस। और यहाँ से फिर लाम यहाँ तक, इसके साथ हमने वाव का अटैच करना। तो वाव को हम थोड़ा सा ऊपर ही अटैच कर रहे हैं यहाँ पर ही। पर इसके दो डॉट, तअमलूना बसीर। अब हमने नून को भी ड्रॉ करना है और तस्वीर कॉपी, तो नून को यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी ड्रॉ किया जा सकता है और नीचे भी, नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ पर करेंगे तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा।
यहाँ पर हम कर लेते हैं नीचे थोड़ा ऊपर, सॉरी। चलिए यहाँ से इसको मज़ीद थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, बिकॉज़ ये ज़्यादा ही अभी ये एक्यूरेटली ड्रा नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर हम इसका डॉट ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले हम लिख लेते हैं बसीर को। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्वाद यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, और यहाँ पर रॉ। यहाँ पर डॉट ड्रॉ करना हमें, अगर आपके पास बड़ी कलम है देन वो यूज़ कर लें, मेरे पास इतनी बड़ी नहीं है, इससे बड़ी है बट आई थिंक कि वो इस साइज़ की नहीं है जिस साइज़ का हम डॉट ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने इसके आराम वो ड्रॉ करने हैं, वो करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर हमने नून के ऊपर शर्त भी है, ठीक है। इन्ना अल्लाह, और यहाँ पर ज़बर है, ठीक है। सबसे पहले हम आराब जो हैं उनको ठीक है देखते हैं और पूरा करते हैं, इसके बाद हम करेंगे। इन्ना अल्लाह, हम यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले आराब, बिकॉज ताकि हमारा हाथ जो है वो ना लगे वहाँ पर। बसीरुन, ठीक है। और ये तो मालूना,
Gece. Bima. Ye vaki. Or yemeyim. Yahan par sukoon ki alamat. और यहाँ पर हमने दो पेश और ये भी सुकून की अलामत। और कोई रह गया? अल्लाह भी माता अमलों के यहाँ पर भी सुकून की अलामत। ओके जी, तो ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा। यहाँ पर जेर आती है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। और ये जो आयत है ये भी हमारे लिए एक रिमाइंडर ही है, ठीक है, कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए हमेशा कि हम जो भी काम कर रहे हों, ठीक है, हाँ वो अच्छा हो अच्छा ना हो, ठीक है, कोई देख रहा हो या कोई ना देख रहा हो हमें, बट अल्लाह ताला हमारे हर काम को देख रहा होता है, ठीक है जी, हम कोई भी काम करते हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी कंपोजिशन देखें, होगी ऑलमोस्ट। ओके जी, दिस वन, ठीक है, ये मैंने अपने सिग्नेचर भी किए हैं, आप भी कीजिएगा ज़रूर। और जिसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है, इन तमाम सेशंस के बाद जब आपकी सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, तो तब जिसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ या जिसका लगा कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ काम किया, तो देन मैं उसको अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगी उसके सिग्नेचर, ठीक है, उसके नेम के।
तो अब आप देख लें कि किसने कितनी एफर्ट के साथ काम करना है। अगर ज़्यादा एफर्ट के साथ करेंगे तो फिर आपको भी वो गिफ्ट मिल जाएगा। तब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट, ठीक है, यूज़ करके इसकी जो भी वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं उनकी शेप्स आपने पढ़ी हुई ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब वगैरह यूज़ करें, ठीक है, एंड देन उसके साथ कंपोजिशन करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो ये कंपोजिशन है जो मैंने आपको करके दिखाई है, एक आप वो कीजिएगा जो आपको खुद पसंद आए, ठीक है। ओके जी, तो अपनी प्रैक्टिस करें अपना, और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।